हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी हूं सोनल एंड वेलकम टू माय चैनल लिवियंग टीवी। फ्रेंड्स, लिवियंग टीवी चाहता है इंडिया नॉइज़ फ्री और पोल्यूशन फ्री बने, और इसलिए हम चाहते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर ही चलाएं। और इसी की वजह से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी सब्सिडी दी हुई है कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे। सो आज मैं आपको ऐसे ही एक लिथियम एंड बैटरी के जो स्कूटर है उसका रिव्यू देने वाली हूँ। सो ये है वो स्कूटर मैग्नस प्रो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ साई ऑटो के शोरूम में, और यहाँ पर आने के बाद जितनी भी एम्पियर के स्कूटर्स है आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और टेस्ट ड्राइव अगर आपको लेना है तो आप ले भी सकते हो। और ये रावत पुणे में है, सो प्लीज़ आप इनके शोरूम में विज़िट दीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। आइए अब हम इस स्कूटर के फ्रंट फीचर के बारे में जानकारी लेते हैं। ये है स्टील व्हील रिम। मैंने इसी स्कूटर में ये देखा है, विजुअली दूसरे स्कूटर में ये नहीं होता है, बस एम्पियर के ही स्कूटर में आपको देखने के लिए ये मिल जाता है। उसी के साथ ये है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विथ ट्यूबलेस टायर जो कि 10 इंच का है। यह है फ्रंट ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है, और इसमें कॉम्बी ब्रेक का भी सिस्टम दिया गया है। और पहले इसी स्कूटर में आपको ये देखने के लिए मिलता था, पर अब हीरो कंपनी ने भी ये देना चालू कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये जो स्कूटर है ये आपको गोल्डन येलो कलर में देखने के लिए मिल जाएगी, और ये है यहाँ पर स्टील फ्रेम दिया गया है। ये कंपनी फिटेड नहीं है, आपको लगवाना है तो आप इसे लगवा सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर ये क्रोम इंसर्ट भी दिया गया है, इसके वजह से भी ये जो कलर दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसी के साथ ये है इसका नंबर प्लेट, और ये देखिए यहाँ पर भी ये दिया गया है। ये है DRL लाइट, और यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि बॉडी में ही है। और ऊपर की बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पर भी क्रोम इंसर्ट दिया गया है ऊपर के साइड पर, और ये देखिए नीचे पर भी ये जो ऑरेंज और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया। और ये है इसका हेडलाइट जो कि LED है, और इसे हैंडल में दिया गया है। आइए अब मैं आपको ये लाइट्स ऑन करके दिखा दूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये DRL लाइट है, देखिए ये ऑन हो गए हैं, और ये LED लाइट्स है। अब इसके जो इंडिकेटर्स है इसे मैं ऑन करती हूँ। सी हियर, अब ये जो इंडिकेटर्स है इसे भी मैंने ऑन करा है, पर ये रेगुलर लाइट है, LED लाइट नहीं है। अब मैं आपको इसका हेड लाइट ऑन करके दिखा दूँ। ये देखिए ये भी LED है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी जैसे कि बारिश का मौसम है तो रास्ता इसकी वजह से आपको काफ़ी साफ दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस लाइट के वजह से आपको। आइए अब मैं आपको इस स्कूटर के हैंडल के कंट्रोल्स के बारे में जानकारी दे दूँ। ये है इसका रेयर ब्रेक, और ये है ब्रेक लॉक का स्विच। ये देखिए अभी मैंने इसे लॉक कर दिया है, आपको बार बार, अभी आप रुके हो सिग्नल पे तो आपको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया है। और अभी इसे हम प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाता है, काफ़ी रेयर फीचर है, यानी फर्स्ट टाइम इस स्कूटर में ये देखा है। और ये देखिए यहाँ पर भी इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा है। उसी के साथ ये देखिए इसके जो ये मिरर्स है इसे भी हैंडल में दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा है इसका शेप जो कि ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये है इसके स्विच, अपर लाइट और लोअर लाइट का स्विच, काफ़ी ईजी है प्रेस करने के लिए। यह है हॉर्न का स्विच, यहाँ पर इंडिकेटर्स के स्विच दिए गए हैं। उसी के साथ इस साइड में अगर आप देखते हो तो ये है इसका फ्रंट ब्रेक, ये है इसका एक्सीलेटर, काफ़ी अच्छा ग्रिप है इसका भी, ये देखिए। ये है मोड का स्विच, हाई और लो का स्विच यहाँ पर दिया गया है। ये है इसका पार्किंग लाइट और हेड लाइट का स्विच, और ये इस स्कूटर को स्टार्ट करने का स्विच है। जब तक आप इसे प्रेस करोगे नहीं तब तक आपकी ये जो स्कूटर है ये स्टार्ट नहीं होगी। आइए अब मैं आपको इसके डिजिटल डिस्प्ले के बारे में जानकारी दे दूं। ये देखिए ये जो है इसका डिस्प्ले आपको ब्लू कलर में देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इसके वजह से इसका जो डिस्प्ले है वो।
रेड ब्लैक एंड ब्लू काफ़ी अच्छा है इसका कलर कॉम्बिनेशन। आप ये जो यहाँ पर ये देख रहे हो ना सिंबल, ये इसलिए है क्योंकि आप ये जो स्कूटर है आप चला नहीं सकते हो जब तक ये जो बटन है ये मैं प्रेस नहीं करूँगी तब तक। ये देखिए अब इसे मैंने प्रेस कर दिया है तो अब ये जो था यहाँ पर सिंबल ये चला गया है, इट्स मीन आप ये जो स्कूटर है अब चला सकते हो। ठीक है, ये है इसका स्पीडोमीटर, ये है यहाँ पर इसका ओडोमीटर और ये है इसका नीचे के साइड पे बैटरी का स्टेटस है। आपको पता चलेगा आपकी बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी नहीं। L मीन्स लो, H मीन्स हाई, इट्स मीन फुल। फ्रेंड्स, रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहती हूँ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर क्लिक करना भूलिएगा मत, सो दैट कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ये है वन, इसका मतलब ये होता है कि लो, और जब मैं यहाँ पर ये देखिए टू, इट्स मीन्स हाई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें लो के मोड पर कितना स्पीड मिलता है। देखिए अब मैं यहाँ पर एक्सीलेटर दे रही हूँ, अब हमें यहाँ पर लो के स्पीड पर मिलता है 32, मैक्स टू मैक्स 32 का स्पीड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। नाउ H, देखिए सेकेंड मोड पर है, अब ये हमें यहाँ पर मिल जाता है 58 का स्पीड मिलता है मैक्स टू मैक्स। आइए अब मैं आपको इसके मिडिल एरिया के बारे में जानकारी दे दूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हुक दिया गया है, आप यहाँ पर हैंग कर सकते हो सामान, यहाँ पर भी आपका मोबाइल आ जाएगा, उतनी जगह दी गई है, काफ़ी सेफ है इसका ये फीचर। और ये देखिए यहाँ पर नीचे के साइड पे USB मोबाइल चार्जर दिया गया है, यहाँ पर चार्जिंग को लगा के आप अंदर के साइड पे रख सकते हो। और ये देखिए इसका लेग स्पेस, यहाँ पर भी बहुत सारी जगह दी गई है, आप यहाँ पर सामान रख सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर ये देखिए विदाउट बैटरी निकाले हुए आप यहीं से चार्ज कर सकते हो आपके स्कूटर को, यहाँ पर भी सॉकेट दिया गया है। और इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस है 150 mm का। इस स्कूटर के साथ हमें एक रिमोट कंट्रोल की भी मिलती है, और ये देखिए ये है स्कूटर को स्टार्ट करने का स्विच, ये है स्कूटर लोकेटर, ये है लॉक का स्विच और ये है अनलॉक करने का स्विच। आइए अब मैं आपको इसके सीट के बारे में जानकारी दे दूँ। ये देखिए ये है इसका सीट और ये काफ़ी बड़ा है इसका सीट, यहाँ पर दो नहीं तीन लोग काफ़ी आसानी से बैठ सकते हैं। मैंने कहा इसलिए बैठो मत, आप लोग दो ही लोग बैठिए। और देखिए इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है, ये ऑरेंज कलर में आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसका थाई सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है, और इसका ये जो ग्रैप होल्डर है ये आपको सिल्वर कलर में देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर ये होल दिए गए हैं, आप यहाँ पर कैरियर भी फिक्स कर सकते हो सामान रखने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इसका ये जो ग्रैप होल्डर है ये। आइए अब मैं आपको बता दूँ इस सीट को कैसे ओपन करना है। ये है इसका की, हमें इस तरह घुमाना है लेफ्ट साइड में तो ये जो हमारा सीट है ये खुल जाता है। ये देखिए काफ़ी लार्ज है इसका बूट स्पेस और ये 20 लीटर का है, आप यहाँ पर आपका हेलमेट रख सकते हो और सामान भी रख सकते हो। उसी के साथ ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है ऑनर मैनुअल है, ये है इसका टूल किट, ये है मेडिकल किट और ये चार्जर के लिए भी यहाँ पर ये जगह दिया गया है। और देखिए यहाँ पर ये लाइट दिया गया है जो कि LED है, अंधेरे के टाइम पे आपको अगर तकलीफ़ होती है कुछ दिखेगा नहीं तो आपको ये जो यहाँ पर बटन दिया गया है इसे इस तरह से प्रेस करना है तो ये आपका जो लाइट है ये ऑन होगा। उसी के साथ यहाँ पर ये इसका ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, इनकेस अगर आपके स्कूटर में कोई तकनीकी खराबी आती है तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो स्कूटर है ये लिथियम आयन बैटरी की स्कूटर है, तो आइए अब मैं बताऊँ कि इसकी बैटरी कहाँ पर है। ये देखिए इसके साथ आपको ये की मिलती है, एक छोटी साइज़ में है, इसे हमें इस तरह से घुमाना है तो ये जो है इसका ये खुलता है कवर। और ये देखिए यहाँ पर नीचे हमारी ये जो बैटरी नीचे दी गई है। अब हम इसे है निकाल देते हैं, इस तरह से मैंने इसे निकाल दिया है। और ये है इसकी बैटरी,
ये है वो 60 वोल्ट 30 एम्पियर की लिथियम आयन बैटरी और इसका वेट है 11 केजी का और ये एम्पियर कंपनी की ही है। उसी के साथ आप यहाँ पर ये सॉकेट देख सकते हो। जब आपको ये बैटरी निकाल कर आप आपके घर पर लेके जाते हो तब यहाँ पर आपको चार्जर कनेक्ट करना होता है। ये जो सॉकेट है इसका ये देखिए यहाँ पर, और ये स्कूटर को कनेक्ट करने का सॉकेट है। आइए अब मैं आपको इसके चार्जर के बारे में जानकारी दे दूं। ये देखिए ये है इसका चार्जर और ये है बैटरी को कनेक्ट करने का सॉकेट और ये है इसका 3-पिन प्लग और इसका आउटपुट है 66.88 वोल्ट और ये 7.5 एम्पियर की होने की वजह से 4 घंटे में चार्ज कर देती है आपकी बैटरी को। आइए अब मैं आपको बता दूं कि बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है, पर उसके पहले कहना चाहती हूँ कि ये है एनर्जी मीटर, मैंने इसे घर पर ही बनाया हुआ है और इससे हमें पता चलता है कि हमारी ये जो बैटरी है ये कितने वाट से चार्ज होती है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका ये जो 3-पिन प्लग है मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट करती हूँ इस तरह से, और ये जो चार्जर का 3-पिन प्लग है ये मैं एनर्जी मीटर पर कर रही हूँ कनेक्ट इस तरह से, ठीक है। और ये मैं बैटरी को यहाँ पर लगा देती हूँ ये सॉकेट। तो चलिए अब ये जो है ये हमारा स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर भी ये अभी रेड लाइट आ गया है, ये जो हमारी बैटरी है ये अब चार्ज हो रही है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कितने वॉट से चार्ज हो रहा है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर 497.7 वॉट से ये जो हमारी बैटरी है ये चार्ज हो रही है। आइए अब मैं आपको बता दूं कि विदाउट बैटरी निकाले हुए हमें कैसे चार्ज करना है। ये जो चार्जर का सॉकेट है मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देती हूँ इस तरह से, और ये जो स्विच है इसे मैंने अभी ऑन कर दिया है। आइए अब हम देखते हैं कि ये कितने वॉट से चार्ज हो रही है। ये देखिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये 500.5 वॉट से ये जो बैटरी है ये हमारी चार्ज हो रही है। आइए अब हम इसके रेयर के बारे में जानकारी लेते हैं। ये है 1200 वॉट की BLDC मोटर और इसका पीक आउटपुट है 2000 वॉट का, और ये वाटरप्रूफ है, इसे व्हील में ही दिया गया है और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और ये है इसका ट्यूबलेस टायर, और ये है एडजस्टेबल ड्यूअल रियर सस्पेंशन। अगर आप सिंगल सीट हो तो भी इसे चला सकते हो और अगर आप डबल सीट हो तो इसे एडजस्ट करके भी चला सकते हो। उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर ये फुटरेस्ट दिया गया है जो पीछे बैठते हैं उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है ये, और ये है यहाँ पर इसका ये देखिए मैग्नस प्रो का भी यहाँ पर बैचिंग दिया गया है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको ये मिल जाता है सिल्वर एंड ब्लैक कलर में। और ये है यहाँ पर इसका साइड स्टैंड और ये है यहाँ पर फुटरेस्ट दिया गया है जो कि सिल्वर कलर में हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये है रियर ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है, और ये देखिए यहाँ पर भी मैग्नस प्रो का बैचिंग दिया गया है, यहाँ पर दोनों साइड में दिए गए हैं और ये भी फुटरेस्ट दिया गया है तो काफ़ी अच्छा है दोनों साइड में ये फीचर्स। फ्रेंड्स अगर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरा जो दूसरा चैनल है लिवियंग TV Vlog वहाँ पर विजिट दीजिए, वहाँ पर मैंने वो वीडियो डाला हुआ है। ये देखिए अब मैं आपको ये जो लाइट से ये ऑन करके दिखाती हूँ, ये इसका जो ब्रेक लाइट है ये भी रेगुलर ही है और इसके जो इंडिकेटर्स है ये भी रेगुलर दिए गए हैं। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको इस स्कूटर के प्राइस के बारे में जानकारी दे दूं, पर उसके पहले कहना चाहती हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने अब सब्सिडी बढ़ा दी है तो हमें इस स्कूटर के ऊपर 9000 का बेनिफिट मिल जाता है, और इस स्कूटर का एक शोरूम प्राइस है 65,990 और इसका ऑन रोड प्राइस है पुणे वालों के लिए 76,000 ओनली। और एक बात बता दूं कि इस स्कूटर के लिए हमें लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है और इसके ऊपर हमें 3 साल की वारंटी भी मिलती है। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको इस स्कूटर का टेस्ट ड्राइव लेके दिखा दूं, पर उसके पहले कहना चाहती हूँ कि मैंने और एक नया चैनल खोला हुआ है लिवियंग TV Vlog, सो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, और अगर आप लोग गेमिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो एक जुरासिक गेमिंग वर्ल्ड का भी चैनल है, सो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। और एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो स्कूटर है ये सिंगल चार्ज में 80 से 85 किलोमीटर तक जाती है।
सो लेट्स ट्राई। सो फ्रेंड, जस्ट मैंने अभी मेरा टेस्ट ड्राइव ख़त्म किया है तो मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को देना चाहती हूँ। इसका जो पिकअप है ये काफ़ी अच्छा है। जब आप हाईवे पे चलाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसमें कॉम्बी ब्रेक दिए गए हैं तो काफ़ी अच्छे हैं इसके जो ब्रेक है वो। इसके सस्पेंशन भी काफ़ी सॉफ्ट है और इसका जो हाइट है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है मेरे हाइट के लिए। इसका सीट भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है। और एक बात, इस स्कूटर का वेट है 82 kg का और ये ले पाती है 150 तक वेट। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो स्कूटर है काफ़ी अच्छी है। आप आइए इनके शोरूम में, एक बार विजिट दीजिए, फिर डिसाइड करिए आपको ये स्कूटर पसंद आती है या नहीं। सो ये हो गई इस वीक की स्कूटर की जानकारी। मैं ऐसे ही आऊँगी नेक्स्ट वीक नए स्कूटर के साथ आप लोगों के सामने। तब तक प्लीज़ आप मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।